हेलो गाइस, मैं हूं अमी। आप देख रहे हैं क्लास विद अमी। तो हम आ चुके हैं हमारा TH13 वाला अकाउंट पे। हम लोग जोर शोर से यहां पे अपग्रेड पे लगे हुए हैं। तो हमारा 500 के 500 बिल्डर फ्री हो चुका है। तो हम आज क्या करेंगे ना, 500 के 500 बिल्डर को अपग्रेड पे डालेंगे। और हमारे पास काफ़ी लूट है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिफेंस तो थोड़ा बहुत हमने अपग्रेड किया, लेकिन हमारा हीरो को अपग्रेड नहीं किया है। तो हमारे पास डार्क भी बहुत ज़्यादा हो चुके, डार्क स्पेल जो ये क्या बोलते हैं उसको, एक्जेलर। तो पहले हम क्वीन को अपग्रेड कर लेते हैं 38 पे। तो यहाँ पे अपग्रेड पे लग गया एक। अभी किंग को, किंग की बारी है। तो क्वीन को 28 को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। चलो 3 दिन का टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल अभी फिर हम क्या करेंगे ना, वार्डन को अपग्रेड पे डाल देंगे। वार्डन हमारा लेवल 18 का है, अभी 19 को होने के लिए। चलो अपग्रेड पे डालते हैं, ठीक है। चलो ये अपग्रेड पे लग गया। तीनों के तीनों हीरो अभी अपग्रेड है। अभी हमारे पास ये क्या बोलते हो, स्कॉटर शॉट लेवल 1 का है, इसको अभी हम लेवल 2 पे लगा देंगे, ठीक है। अभी 12 दिन 18 वाला लगेगा, चलो कोई बात नहीं, 12 दिन हम वेट कर लेंगे, ठीक है। अभी चलो चारों के चारों बिल्डर हो गया। अभी और एक लास्ट बिल्डर को हम किधर भी डाल देंगे। हमारे पास कभी लूट कम है, लेकिन यहाँ पे देखे तो गोल्ड स्टोरेज एक कम लेवल का, 11-13 का एक गोल्ड स्टोरेज है, उसको अपग्रेड पे डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला इसको लेवल 14 के लिए अपग्रेड पे डाल देते हैं। चलो चलो ये अपग्रेड पे हो गया। चलो 500 के 500 बिल्डर हम हमारे अपग्रेड पे लग गए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा TH10 वाला अकाउंट को थोड़ा देखेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे आर्मी भी ख़त्म हो चुका है, आर्मी ट्रेन कर लेते हैं। चलो देखते हैं दूसरा TH10 वाला अकाउंट को हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे तो आर्मी तो एक ट्रेन हो चुका है और एक आर्मी बची है। यहाँ पे 500 के 500 बिल्डर लगे हुए हैं। चलो हमारा अकाउंट स्विच करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएंगे, हमारा TH10 वाला अकाउंट किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है। चलो आ गया हमारा TH10 वाला अकाउंट, कोई बात नहीं। अभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कितना बिल्डर फ्री है और उसको भी अपग्रेड पर डालते हैं। चलो यहाँ पे 2 बिल्डर तो ऑलरेडी फ्री है और एक 17 मिनट बचा है। तो यहाँ पे 3 बिल्डर हमारा फ्री हो चुका है और ये एक्सपो हमारा 3 दिन का टाइम लगेगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, इसके अंदर हम थोड़ा लो जो डिफेंस होता है उसको पहले अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो वो आर्चर टावर जो है हमारा, ये आर्चर टावर लेवल 4 का है और हम उसको लेवल 5 के लिए अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे आर्मी थोड़ा ट्रेन कर लेते हैं और लास्ट में हम वार अटैक करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे देखते हैं, कोई बात नहीं। चलो अभी पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपग्रेड करने के 12 सारे अपग्रेड करना पड़ेगा, नया ट्रूप्स अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो जटर लेवल 1 का है, उसको तो मार्क्स करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आर्चर टावर्स को भी पहले मार्क्स कर देते हैं, थोड़ा लेवल ये क्या बोलते हैं उसको, लेवल 3 या 4 का है शायद, लेवल 4 का है आर्चर टावर। हाँ, लेवल 4 का आर्चर टावर है वो। तीनों आर्चर हमारे पास 3 बिल्डर फ्री है, तो 3 आर्चर टावर को हम लोग क्या करेंगे ना, अपग्रेड पे डाल देंगे। अभी हमारे से लूट भी है, हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले चलो इस तीनों के तीनों बिल्डर को काम पे लगा दिया जाए। तो अभी पहले ले लेते हैं CC, उसके बाद हम वार अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आर्चर टावर को, पहला आर्चर टावर को अपग्रेड डाल दिया। चलो 5 आवर लगेगा टाइम, कोई बात नहीं, दोबारा 5 आवर और तीनों के तीनों बिल्डर को लगा देंगे। चलो भाई, हमारे सारे बिल्डर अभी एकदम काम पे लगे हैं। अभी जोर शोर से हमारा मार्क्सिंग जो अपग्रेड हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे ना, चलो डायरेक्ट आटा करते हैं। चलो जेम मारते हैं, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम बचा है, अभी क्या करेंगे। अभी तो जेम मार के आर्मी फूल हो गया हमारा, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट अटैक की तरफ। तो और एक मैं यहाँ पे आर्मी पोशन लगा दिया कि जैसे कि दूसरा अटैक कर सके, ठीक है। अभी चलो हम कौन सा वाला अटैक करते हैं, यहाँ पे लेवल 5 का बेस देखे तो TH उतना खास कुछ है नहीं यहाँ पे लो लेवल का। तो ये वाला बेस TH10 का थोड़ा बहुत तो हाई अपग्रेडेबल है, थोड़ा मतलब TH9 का जैसे अपग्रेड है, तो इस वाले बेस पे अटैक कर लेते हैं, ठीक है। एक अटैक कर लेते हैं हमारे यहाँ पे,
तो यहाँ पे चलो पहले क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको एयर डिफेंस को, दोनों एयर डिफेंस को उड़ा दिया, और तीसरा एयर डिफेंस, रुको क्वीन को आने दो अंदर। चलो हमारा क्वीन भी टेक डाउन हो गया यहाँ पे स्पेल के साथ। तो अभी क्या करेंगे, एक साइड से किंग क्वीन और बाकी हिस्से से ड्रैगन स्पाम करेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं बचा, देखो इजी बेसिस, ये बेस आपको हर जगह पे मिल सकता है आराम से। आप TH9 हो, TH10 हो, आराम से ये बेस को आपको ऐसे इजीली 3 स्टार कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो बेस के अंदर कुछ भी नहीं बचा, आराम से 3 स्टार हो जाएगा, बस आप देखते जाओ कैसे हो रहा है। तो ड्रैगन आराम से स्पाम करते, अगर CC होता तो आप, मेरे पास एक पॉइजन स्पेल है, तो आप पॉइजन स्पेल को यूज करके आराम से CC को मार सकते हो, ठीक है। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा ना, स्पेल स्टोरेज को अपग्रेड पे डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किंग को बचाने, क्वीन को बचाने के लिए किंग के ऊपर पॉइजन स्पेल डाल के क्वीन एबिलिटी दे दिया, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा क्वीन शायद मर जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कैनन है ना, कैनन मार देगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। चलो मार दिया, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे ड्रैगन बचे हैं जो कि सारे बेस को पूरा एकदम से ख़त्म कर देंगे। टेंशन लेने का नहीं है, यहाँ पे CC का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कितना है, 2 3, तो 5 ड्रैगन है, तो 5 ड्रैगन बहुत ज़्यादा होते हैं, आराम से सिर्फ एक ही आर्चर टावर है, तो आराम से इजीली ये वाला बेस हमारा 3 स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस तो हमारा 3 स्टार हो ही जाएगा। अगर आप लोग प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब, हमारे हमको जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाना है। आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। आप कमेंट करोगे तो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।